last substance हमने यहाँ पढ़ने का है ferromagnetic substances. ये ferromagnetic जैसे ही होते हैं, लेकिन ferromagnetic में क्या होता है कि एक ही direction में aligned होते हैं, और anti ferro में क्या होता है, equal number में opposite direction में aligned होते हैं. यहाँ unequal number में aligned होते हैं. मतलब magnetism आता है, लेकिन उतना नहीं आता जितना ferromagnetic substances में आता है. anti ferro में तो बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि ऐसा क्यों? बैंड थ्योरी कहती है कि
स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो जिन सॉलिड में ऐसा है वो क्या है, सेमीकंडक्टर, और जिनमें बहुत ज्यादा है ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वेरी लार्ज फॉरबिडन गैप, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में नहीं आ पाता इनका, और इनका जो फॉरबिडन एनर्जी है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। कंडक्टर्स में जो बैंड हैं ये ओवरलैप होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में ये गैप इनफिनिटेसिमली स्मॉल होता है, और इंसुलेटर्स में तो ये वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो ये आपको पता है कि जो ग्रुप नंबर 14 वाले हैं वो खुद से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन वगैरह, तो वो खुद ही सेमीकंडक्टिंग है, तो इसलिए उन्हें इंट्रिंसिक, इंटरनली सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। लेकिन कुछ सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें डोपिंग करके कुछ इम्प्यूरिटी मिला के उनकी कंडक्टेंस को इंक्रीज करके उनको सेमीकंडक्टर्स की रेंज में लाया जाता है। तो एक्सटर्नली कुछ चीज डाल के आपने उनको सेमीकंडक्टर्स बनाया, वो कैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर वो भी दो तरह के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। अब ये सब इतना हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। एन टाइप जब इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेंगे, 15 ग्रुप की इंप्यूरिटी डाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ जाएगा 14 ग्रुप के मेंबर में, तब वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर जब आप 14 ग्रुप का मेंबर है उसके एटम्स को रिप्लेस करके 13 ग्रुप के एटम्स डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उस पोजीशन को हम होल बोलते हैं फिजिक्स में, है ना, तो वो होल टू होल ट्रांसमिशन होने की वजह से कंडक्टेंस आएगा। ऐसे कंडक्टर्स को क्या कहा जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत आगे की डिटेल है, हम सिर्फ बैंड थ्योरी के बेसिस पर कंडक्टर्स को सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे एज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बेटा पहले बोल दूं कि ये लास्ट का छोटा सा टॉपिक है, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई मेन और जेई नीट में हो सकता है इससे कोई एक आधा क्वेश्चन बन जाए। चांसेस जेई मेन में तो बहुत ही कम है, जेई नीट में फिर भी चांसेस है, नीट में पूछ लेते हैं कॉमनली। बोर्ड्स की बात करूं तो बोर्ड्स के सिलेबस से इस साल के लिए ये टॉपिक जो है वो निकाल दिया गया है, इस साल ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं आएगा। तो आपने सिर्फ कहाँ तक पढ़ना है, आपने एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स में भी पढ़ने, आपको जो मैंने डिफेक्ट्स करवाए हैं आपने सिर्फ वो डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और जो एग्जाम्पल्स करवाए हैं मैंने आपको कुछ आइन स्ट्रक्चर्स के, वो एग्जाम्पल भी नहीं करने, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेन जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लेक्चर पॉइंट टू लेक्चर 10 सारा कवर करना है। मैं पहले बोल दूँ मैं एनसीईआरटी इज द होली बुक फॉर जेई नीट, है ना, आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो। एडवांस की प्रिपरेशन में तो बच्चे फाइनली स्टिक की लिस्ट पे हो जाते हैं, एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर देते हैं, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट कोई ऐसा लगता है जो एनसीईआरटी से बाहर हो। इसलिए आपको सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब 20-30 जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एनसीईआरटी से समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि एनसीईआरटी ने एफसीसी लैटिस को पहले समझा रखा है, पैकिंग फ्रैक्शन बाद में समझा रखा है, डेंसिटी उसके भी बाद में समझा रखी है, हमने क्या है एक ही जगह पर ये सारी बातें डिस्कस किया और हर तरह की पैकिंग पे फिर इस चीज को हमने रिपीट किया है। तो बस किसी भी एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपको, जो वर्ड समझाए हुए हैं वो बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। एनसीईआरटी नहीं भूलनी है, स्पेशली जो बच्चे 12th अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो बोर्ड एग्जाम देना ही है। तो मैं न्यूमेरिकल सेशन में भी कुछ अटेम्प्ट लूंगी कि आपको न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं बोर्ड से रिलेटेड भी, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर सॉलिड स्टेट।
अभी कुछ दो एक मैं प्रॉब्लम सेशंस दूंगी, उसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी मेटलर्जी, राइट। अब मेटलर्जी भी बता दूं, बोर्ड्स के सिलेबस से इस साल रिमूव्ड है, एंटायर चैप्टर इज रिमूव्ड, राइट। लेकिन कॉम्पिटिशन्स में है तो हम वही उठाएंगे, उसके बाद हमारा एक ही चैप्टर रह जाएगा बुक वन का एनसीईआरटी का, दैट इज पी, राइट।